हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विशाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले आपसे कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके सभी लोगों को बुला लीजिए, उसके बाद हम वीडियो अपना स्टार्ट करें। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, उनको बता दें यहाँ पर नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी, और आज किसी नए टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सेसिव डिवीज़न, तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और इसको आज ही ख़त्म कर देंगे इसी वीडियो में। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। यह है हमारा पेज education.masala। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, सक्सेसिव डिवीज़न, सबसे पहले हम क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्रमिक भाग का मतलब क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, उसके बाद जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है स्क्रीन पर। किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभाजित करने पर 8, 9, 8 शेषफल बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो सबसे पहला जो लाइन ऊपर आया है, क्रमशः भाग करने पर। तो क्रमशः भाग करने का मतलब क्या होता है, यानी कि सक्सेसिव डिवीज़न। सबसे पहले आपको सक्सेसिव डिवीज़न सीखना होगा, फिर उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि विभाजकों के क्रम बदलने, वो चीज़ बाद की बात है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सक्सेसिव डिवीज़न क्या होता है। जैसे कि वो संख्या लिखी है हमारे पास 620, 620 को सक्सेसिव डिवाइड करना है 8 से, 5 से और 6 से। कोई संख्या दी हुई है 620, उसको सक्सेसिव डिवाइड करना है 8, 5 और 6 से। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव डिवाइड सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें सीखेंगे। तो 620 को हमको डिवाइड करना है 8, 5, 6 से। तो सबसे पहले 8 लिखा है, तो 8 को हम डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे 620 को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, ये हो गया 6, 8 सत्ते 56। यहाँ पर जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 4। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ पर अगला जो कह रहा है कि 5 से भाग करना है, तो 5 से आपको किस चीज़ को भाग करना है, ये जो भागफल लिखा हुआ है इसको भाग करना है 5 से। जो सक्सेसिव डिवाइड होता है उसका मतलब क्या है कि पहली संख्या से आपने डिवाइड कर दिया, 8 से हमने 620 को डिवाइड कर दिया, फिर उसके बाद हम जो भागफल आएगा उसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट संख्या से। 77 आया तो हम 77 को अब 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये मतलब होता है सक्सेसिव डिवीज़न का। इसी तरीके से इसका जो भागफल आएगा वो हम अगली संख्या से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये होगा 5। तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है वो 2 बचेगा, रिमाइंडर बचा 2। अब आ गया है 15। अब कह रहे हैं कि आगे भी भाग करना है आपको 6 से। 620 को 8, 5 और 6 से डिवाइड करना था, तो हमने 620 को 8 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 4 शेषफल आ गया। यहाँ जो भागफल है वो 77 आया, अब हम 77 को 5 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद अब आया है 15। अब 15 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। तो 6 भाग 15, ये कितना हो गया, 6 दूनी 12, 3 रिमाइंडर बचा। ये बचा 3 रिमाइंडर। पहला रिमाइंडर आया 4, फिर आया 2, फिर आया 3, ठीक है। और ये जो लास्ट में बचा है 2, इसको बोलेंगे फाइनल कोसेंट, यानी अंतिम भागफल। जो अंतिम भागफल आया है वो 2 आया है। और ये जो रिमाइंडर यहाँ पर लिखे हुए हैं 4, 2, 3, इनको बोलेंगे क्रमिक शेषफल। तो यहाँ पर पूरा ये बेसिक हो गया कि आपको जो सक्सेसिव डिवीज़न है वो किस तरीके से करना है। लेकिन आपको जो है इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश करिए। किस तरीके से इसको सॉर्ट करना है ये देखिए। देखिए इसी क्वेश्चन को हम सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे भाजक, ये हो गया भाजक, और बीच में जो आएगा वो संख्या लिखेंगे, यानी भाज्य। यहां पर जो लिखी जाएगी वो संख्या या फिर भाज्य, क्योंकि संख्या को ही भाज्य में रखते हैं, और ये बटे नहीं है, मतलब संख्या या भाज्य। और यहां पर जो रखा जाएगा वो शेषफल रखा जाएगा, शेषफल। तो अब देखिएगा, संख्या हमारी क्या थी, 620, तो यहां पर हो गया 620, ये हो गया 620। अब कह रहे हैं 620 को 8 से भाग करना है, तो सबसे पहले आपको 620 को 8 से भाग करना है।
ठीक है। फिर उसके बाद 5 से भाग करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, फिर 6 से भाग करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए 6। ये हो गया इतना, ठीक है। और इधर आपको सारे शेष पर लिखने हैं। और इसके लिए आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए जो सभी लोगों को पता है, ऑलरेडी हमने बता रखी है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेष बराबर भाज्य, ठीक है। भाजक गुणा भागफल धन शेष बराबर भाज्य, आप सभी लोगों को पता है। इतना तो हमको क्वेश्चन में दे रखा था, 620 हो गया, 8 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ऑलरेडी यहां पर आपको ये लिख के बता दिया है। अब हम यहां पर 620 को 8 से भाग करेंगे। 620 को 8 से भाग करिए तो यहां पर 8 × 7 = 56, यहां पर हुआ 8 × 7 = 56, और 56 के बाद फिर से दोबारा जाएगा 8 × 7 = 56, बचा शेषफल 4, तो शेष को हम ऊपर लिख देंगे। 620 को जो है हमने 8 से भाग किया, 8 × 7 = 56, 6 बचा, फिर उसके बाद 8 × 7 = 56 किया, 4 शेषफल बचा, तो शेष हमने वहां पर ऊपर लिख दिया, ठीक। अब उसके बाद ये 77 आया। अब 77 को हम फिर से 5 से भाग करेंगे, 77 को हम फिर से 5 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 2 × 5 = 25, यानी 15 × 75 हो गया, और शेषफल कितना बचा, 2, तो शेष को हम यहाँ ऊपर लिख देंगे। फिर उसके बाद आया 15। अब 15 को 6 से भाग करेंगे तो हो गया 6 × 12, ये हो गया 6 × 12, यानी कि यहाँ पर बचा शेषफल 3। 15 को आप 6 से भाग करोगे, ये सारा काम आपको माइंड में करना है, 15 को 6 से भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 × 12 और 3 = 15, तो ये जो लास्ट में 2 आया है इसको बोलते हैं फाइनल कोशेंट, यानी कि ये जो अंतिम भागफल है उसको बोलेंगे, यहां पर जो आएगा उसको बोलेंगे अंतिम भागफल, ये आया है अंतिम भागफल, और ये जो है रिमाइंडर, ये क्रमिक शेषफल है, इनको बोलेंगे क्रमिक शेषफल। तो उतना बड़ा आपको नहीं करना है, जैसे हमने पहले बताया था वो एक बेसिक था, लेकिन आपको इस तरीके से सीखना है, इस तरीके से करना है। तो ये तो अभी हमने केवल डिस्कस किया है सक्सेसिव डिवीजन, यानी सक्सेसिव भागफल कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इसको दबा के शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या छोटी से छोटी ज्ञात करनी है जिसको 8, 5, 6 से डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 2, 3 शेषफल बचे। 8 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड करना है, यानी कि सक्सेसिव डिवाइड करना है, और उसके बाद जो शेषफल आ रहा है वो 4, 2, 3 आ रहा है, संख्या आपको बतानी है। तो चलिए वही काम करेंगे जो हमने अभी बताया था आपको, इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हम भाजक लिखते हैं, तो भाजक कौन कौन सा है, मतलब पहले 8 से भाग करना है तो हमने 8 लिख दिया, फिर भाग करना है 5 से, 5 लिख दिया, और फिर उसके बाद भाग करना है 6 से, तो यहां पर हमने 6 लिख दिया, इधर भाजक हो गया। अब यहां पर शेषफल लिखेंगे, पहला शेष आ रहा है 4, तो यहां पर 4 लिख दिया, फिर शेषफल आ रहा है 2, तो हमने 2 लिख दिया, फिर यहां पर आ रहा है 3, तो हमने 3 लिख दिया। यहां पर हमने क्या लिखा है, ये है भाजक। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया भाजक और ये हो गया शेष, और यहां पर बीच में भाज्य होता है, भाज्य संख्या जो हमको निकालनी होगी, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा वो फाइनल कोशेंट आएगा, यानी कि फाइनल भागफल यहां पर आएगा, और जो यहां पर आएगा वो वही होगी संख्या, यानी फाइनल भाज्य है वही संख्या होती है। हम यहां पर जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हमको नीचे से जाना पड़ेगा। यहां पर हमको फाइनल कोशेंट पता होना चाहिए, तो फाइनल कोशेंट पता होने के लिए या तो क्वेश्चन में दिया होना चाहिए फाइनल कोशेंट, लेकिन वहां पर कुछ नहीं दिया है, तो जब यहां पर कुछ भी ना दिया हो फाइनल कोशेंट, तब हम इसको जीरो मान लेंगे, फाइनल कोशेंट को जीरो मान लेंगे। तो हम यहां पर जीरो मान लिया। अब उसके बाद भाजक गुणा भागफल धन शेष बराबर भाज्य, बस इस चीज को अप्लाई करना है यहां पर। देखिए भाजक गुणा भागफल, इसकी इसकी गुणा करा दो, धन शेष, भाजक गुणा भागफल धन शेष बराबर क्या होता है, भाज्य। तो हमको भाज्य वाले उसमें चैम्बर में लिखना है, भाजक गुणा भागफल, यानी ये हो गया जीरो, जीरो प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिर उसके बाद फिर इसकी दोनों की गुणा करा दो, क्योंकि भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल धन शेष, पांतिया पंद्रह, पंद्रह दुना पांत्र, पंद्रह और पंद्रह दो सत्रह, सत्रह हो गया। अब यहाँ पर फिर देख लीजिए, सत्रह की आठ से मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा 136, 136 में चार जोड़ोगे कितना हो जाएगा 140। तो जो सबसे ऊपर आएगा वही तो संख्या होती है, स्टार्टिंग में हमने जो आपको बताया था वहाँ पर जो बीच में लिखा था वही संख्या थी, यानी 140 आ गया। तो 140 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसको आठ से भाग करोगे, फिर पाँच से भाग करोगे, फिर छः से भाग करोगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो चार, दो और तीन आएगा। और सक्सेसिव डिवीजन का तरीका हमने आपको बता रखा है किस तरीके से डिवाइड करना होता है। तो एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर हमको देखिए फाइनल क्वेश्चन नहीं बताएं, अगर हमको यहाँ तक पहुँचना है तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको फाइनल क्वेश्चन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है कि फाइनल क्वेश्चन क्या है, तो हम यहाँ पर इसको जीरो मान लेंगे। यहाँ पर हमने जीरो किया तब भाजक, यहाँ पर भाजक होता है, यहाँ पर भागफल आता है लास्ट वाला फाइनल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, उन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराओगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, भाजक गुणा भागफल धन शेष, तो हमने छः गुणा जीरो किया प्लस तीन कर दिया, तो यहाँ पर हो गया तीन। अब यही जो प्रोसेस है वो हमको बार बार रिपीट करना है। इधर इधर का हमने मल्टीप्लाई किया, पाँच या पंद्रह, पंद्रह में दो जोड़ दिया सत्रह हो गया, फिर सत्रह की आठ से मल्टीप्लाई कराई 136, 136 में हमने चार जोड़ दिया तो क्या हो गया 140। तो हम सबसे ऊपर तक पहुंच गए, संख्या हमारी आ गई 140। तो ये होता है सक्सेसिव डिवीजन, इस पर इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है x को 9, 8, 7 से क्रमिक भाग करने पर क्रमशः 4, 5 और 3 शेषफल बचता है, तो आपको संख्या बतानी है। तो वही काम करना है आपको, सबसे पहले एक कॉलम बना लेना है इस तरीके से, तो एक साइड में भाजक और एक साइड में आपको शेषफल लिखना है। भाजक कौन कौन है 9, 8, 7, 9, 8, 7, उधर शेषफल लिखना है 4, 5 और 3। ध्यान से देखिएगा, हमको इस स्थान की वैल्यू चाहिए, जो यहां पर की जो वैल्यू होगी वही संख्या के बराबर होगी, मतलब भाज्य वही होगा। और यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन यहां पर हमको फाइनल क्वेश्चन तो दिया नहीं गया है, तो हम इसको जीरो मान लेंगे। जब यहां पर जीरो करेंगे, इसको हमने जीरो कर दिया, अब देखिए भाजक गुणा भागफल धन शेष, इसकी इसकी गुणा कराएंगे और इसको जोड़ देंगे, शेष को जोड़ देंगे, भाजक गुणा भागफल धन शेष। तो सात की जब जीरो से गुणा कराएंगे और तीन जोड़ेंगे कितना आएगा, तीन आएगा, तो यहाँ पर हमने तीन लिख दिया। फिर इसके बाद इसकी इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आठ तीन 24, 24 प्लस 5, 24 प्लस 5 29 हो जाएगा, तो 29 यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 29 नमा ये हो जाएगा 261, ठीक है, 261 में चार जोड़ोगे कितना हो जाएगा 265, तो ये हो गया 265। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 265, संख्या हमारी हो गई 265। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, संख्या आई है 265। तो सबसे पहले भाग करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम इसको 9 से भाग करेंगे। चलिए 265 को 9 से भाग किया जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 दुनी 18, 8, ये हो गया 9 नवा 81, यहाँ पर चार शेषफल बच गया। अब उसके बाद 29 को भाग करेंगे, 29 को भाग करेंगे किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है, तो 8 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा, 5 बचा, ठीक है। अब ये आया है ये 3, अब फिर से 3 को आगे भाग करेंगे, पर 3 है तो किससे भाग करना है आपको, यहाँ पर देखिए 7 से भाग करना है, 7 से भाग करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 0 बार जाएगा 0, यानी रिमाइंडर 3 बचा। तो देखिए 265 हमने संख्या निकाली है, सक्सेसिव डिवाइड किया उसको, सबसे पहले 9 से डिवाइड किया कितना रिमाइंडर आया 4, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। फिर उसके बाद 8 से डिवाइड किया कितना रिमाइंडर आया 5, रिमाइंडर 5 आ रहा है। फिर उसके बाद हमने 7 से डिवाइड किया, 7 से हमने इसको डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, यानी कि 4, 5, 3, 265 को क्रमशः 9, 8 और 7 से डिवाइड करने पर क्रमशः 4, 5 और 3 शेषफल बच रहे हैं, तो ये संख्या हो गई 265, ठीक है। किस तरीके से इसको निकाला है, हमने यहाँ से इसको निकाला है, फिर उसके बाद हमने क्रमिक भाग करके आपको दिखा दिया, ये प्रूफ हो गया कि इस संख्या का जो रिमाइंडर है वो क्रमशः इतना 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 आएगा। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये सक्सेसिव डिवीजन क्या होता है, किस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा, जो हम यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन है
उसको हम जीरो मान लेते हैं, फाइनल कोसेंट को हमने जीरो मान लिया। देखिए यहाँ पर हमने जीरो किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फाइनल कोसेंट हमेशा जीरो आएगा, आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर फाइनल कोसेंट एक मान सकते हो, दो मान सकते हो, तीन, चार, पाँच, ये कुछ भी मान सकते हो। कहने का मतलब है ये एक छोटी से छोटी संख्या है 265, ये एक छोटी से छोटी संख्या है 265। इसके अलावा बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको आप 9, 8, 7 से सक्सेसिव डिवाइड करोगे, 4, 5 और 3 बहुत सारी संख्याएं होंगी ऐसी, लेकिन जो 265 आई है वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और आप याद रखिए, क्वेश्चन जो आपका आएगा वो सबसे छोटी संख्या ही पूछेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है कि आपको छोटी से कोई 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें छोटा वाला नहीं होगा, यानी आप 265 निकालोगे तो वो आंसर नहीं होगा, तब क्या करोगे, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 9 से भाग किया आपने, 8 से भाग किया, 7 से भाग किया, तो यहाँ पर जो आपका 265 आया है ये होती है स्मॉलेस्ट संख्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि हमने जो फाइनल भागफल है, फाइनल भागफल हमने, फाइनल कोसेंट, उसको हमने जीरो मान रखा है, इसीलिए जो हमारा नंबर आया है वो सबसे छोटा नंबर है। तो 265 एक छोटा नंबर है। अगर ऑप्शन में 265 ना दिया हो तब आप क्या करोगे, तो उसके लिए आप देखिए ये जो भागफल दिया हुआ है, भागफल को मल्टीप्लाई करा दो, 9, 8 गुणा 7, तीनों भागफल को मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसके साथ में k लिख दीजिए, प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट नंबर। पहली बात तो 90% आपका जो ऑप्शन में ऐसी वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट नंबर वैल्यू होगी, अगर है तो आप उसको टिक कर दीजिए। अगर उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं दी गई है तब आप क्या करोगे, पहली बात तो यहाँ पर एक चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं होंगी, इसीलिए क्वेश्चन में ज़्यादातर मेंशन कर देते हैं कि हम सबसे छोटी संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे छोटी संख्या ना दी जाए, जैसा कि इस क्वेश्चन में संख्या सबसे छोटी नहीं दी गई है, एक्स एक संख्या बता दी गई लेकिन ये नहीं कहा गया है कि ये सबसे छोटी है, तो हम इसको ऑप्शन से करेंगे। अगर ऑप्शन में 265 नहीं दिया है तब आप क्या करोगे, तो 9 गुणा 8 गुणा 7 यानी कि जो भागफल है उन सभी की मल्टीप्लाई करा दीजिए, उसके गुणांक में के कर दीजिए, प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पर आपको के की वैल्यू रखनी है, के बराबर 1, 2, 3, 4 आप रखते जाइए। के बराबर 1 रखेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। के बराबर 1 रखिए, के बराबर 2 रखिए, और के बराबर 0 से तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकाली ही है, तो हम के बराबर 1, 2, 3, 4 रखते जाएंगे और जो आपका आंसर आएगा आप ऑप्शन से मैच कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया जनरल फॉर्म इसका, ये है इसका जनरल फॉर्म। कभी कभी हो जाता है क्वेश्चन जब स्टैंडर्ड ज़्यादा बढ़ा देते हैं तब इस तरीके का हो जाता है, वरना आपका जो है हमेशा स्मॉलेस्ट ही पूछा जाता है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट नहीं ऑप्शन में दिया है तब आपको ये सब करना पड़ेगा, जो भी भागफल आएगा उनकी मल्टीप्लाई करानी होगी, के का उसके साथ में मल्टीप्लाई, फिर प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। आई होप आप लोगों को सक्सेसिव डिवीजन अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टाइम है कि हमने जो स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, एक संख्या को क्रमशः 9, 9, 11 और 13 से विभाजित करने पर, यानी 9, 11 और 13, 9, 11, 13 से विभाजित करने पर क्रमशः 8, 9, 8, 8 फिर 9, फिर 8 शेष बचता है। यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए तो क्या शेष होंगे, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन है। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप संख्या निकाल लो, संख्या कौन सी है वो सबसे पहले निकालिए। तो संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया कि यहां पर आपको जो फाइनल कोसेंट है उसको जीरो मानना पड़ेगा। ये हो गया फाइनल कोसेंट, यानी कि अंतिम भागफल को आपको जीरो मान लीजिए, फिर आप यहां पर पहुंच जाइए। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो में आठ जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आठ, 11 से 88, 88 में आप 9 जोड़ो, 9 और 17 ये हो गया 97। ठीक है, फिर उसके बाद 97 की 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा, 97 की 9 से मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा, 87, तो 873 में आप 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 881, इसमें आप 8 जोड़ दिए 881, यानी जो संख्या आई है वो हमारी आई है 881। पहला स्टेप हो गया, हमने संख्या निकाल ली। अब उसके बाद कह रहे हैं कि यदि विभाजकों के क्रम को बदल दिया जाए, पहले 9, 11, 13 से विभाजित कर रहे थे, अब हम 13, 11 और 9 से डिवाइड करेंगे। संख्या आ गई है 881, अब हम इसको डिवाइड करेंगे किस तरीके से,
क्योंकि सक्सेसिव डिवीजन आपने पढ़ रखा है किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। आपको डिवाइड करना है पहले 13 से, फिर डिवाइड करना है 11 से, और फिर डिवाइड करना है 9 से। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना कितना आएगा यही आपको बताना है। तो सबसे पहले 881 को 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 13 से 78 ये हो गया 6, फिर 13 से 91 यानी 7, तो इधर रिमाइंडर बचा 10। 13 से 78 बचा 10, 13 से 91 इधर बचा 10। फिर उसके बाद 67 को आप 11 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 6, 11 से 66 यहां रिमाइंडर कितना बचा 1। यहां पर 6 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो ये 0 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6। तो यानी हमसे पूछा गया था रिमाइंडर कितना आएगा, तो यही तो सारे रिमाइंडर है, यही सारे शेषफल है। पहला आया है 10, फिर आया है 1, फिर आया है 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले संख्या निकाली, कौन सी संख्या ऐसी होगी, सबसे छोटी से छोटी संख्या है ये, हमने यहां पर क्योंकि भागफल 0 माना है। आप भागफल 1 मान सकते हो, 2, 3, 4, 5 कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा कम करना है इसलिए हम यहां पर 0 मान लिया। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 881 नंबर हमारे पास आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि विभाजकों का क्रम बदल दीजिए, तो हमने क्रम बदल दिया 13, 11 और 9 कर दिया। फिर उसके बाद वही अपना पुराना प्रोसेस करना है, भाग करना है किस तरीके से, ये हो गया 67, यहां से इसको हमने भाग किया, शेषफल हमने ऊपर लिख दिया, तो फिर 1 हो गया, फिर 6 हो गया, तो यहां पर जो फाइनल आंसर आया है वो 10, 1 और 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक दो और क्वेश्चन करेंगे और वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और प्लीज अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर 1 शेषफल आता है, फिर उसके बाद उसके भागफल को 5 से डिवाइड करने पर 3 शेषफल आता है। उसके भागफल को, अरे ये तो सक्सेसिव डिवीजन करने को बोल रहा है, तो यहां पर सक्सेसिव डिवाइड वाला सबसे पहले आप कॉलम बना लीजिए इस तरीके से, क्योंकि कह रहा है उसके भागफल को, और भागफल को डिवाइड करते हैं दोबारा किसमें, सक्सेसिव डिवीजन में करते हैं, तो वही यहां पर करना है। 13 से डिवाइड करने पर, पहले हमने 13 से डिवाइड किया, कह रहा है कि 1 शेषफल आता है तो 1 शेषफल कर दिया। फिर उसके बाद कह रहा है उसके भागफल को 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमने 5 से डिवाइड कर दिया, 3 शेषफल आता है, तो यहां पर हमने शेषफल 3 कर दिया। तो यहां पर हम सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे, सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए फाइनल जो क्वेश्चन है उसको 0 कर देंगे, यहां पर हमने 0 कर दिया, 5 जोड़ा 0 से कराएंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहां पर हो गया 3, 13 किया 39, 39 प्लस 1 40, अरे संख्या तो आ गई हमारे पास 40, संख्या हमारे पास सबसे छोटी 40 आ गई। अब देखिए यहां पर कह रहा है तो संख्या को 65 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, संख्या हमारे पास आ गई है तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, संख्या हमारे पास आ चुकी है, क्वेश्चन में कुछ भी पूछे अब आप इसको आराम से बता पाओगे किस तरीके से। 40 दिया है, कह रहा है कि 65 से भाग करने पर कितना शेषफल आएगा, अब 40 लिखा हुआ है, 65 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तो आपका 40 ही आएगा। रिमाइंडर थ्योरम में हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं कि रिमाइंडर कितना आता है, बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो सब हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो सक्सेसिव डिवीजन पर जितना भी कॉन्सेप्ट हो सकता था हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने इसको अच्छे से सीखा है तब आप एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, किसी भी संख्या को 7, 4 और 3 से डिवाइड करने पर क्रमशः 2, 3 और 1 शेषफल बचता है, यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए, यदि विभाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या क्या होंगे, क्रमशः रिमाइंडर कौन कौन से होंगे। तो ये आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगर आपने अच्छे से सीखा होगा तो ये क्वेश्चन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर, और कल 7 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसमें हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करेंगे। टाटा बाय बाय टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं कल।